नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। और आज भी दोस्तों यही सबसे बड़ी खबर है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने में लग रहा है फिलहाल तो, क्योंकि इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा शुरू करें। इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें और कोई ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। तो आज दोस्तों इंडिया बुल्स रियल्स का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और इसका फ्लैट 3 मोजो स्कोर है और अभी का रिजल्ट तुरंत डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है और ये करेंटली 11.99 यानी 12% के आसपास रह गई है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग 87% के आसपास है, 88% के आसपास। तो लगभग कह सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज करना एक थोड़ा सा चिंतक विषय जरूर हो सकता है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं। तो रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, अनऑडिटेड रिजल्ट ये आ चुका है, और यहाँ से आप दोस्तों देखिए, कुछ जूम करके दिखाते हैं। यस, तो यहाँ से दोस्तों देखिए कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है, ये एक बड़ी चीज़ है इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के लिए। और लगभग कह सकते हैं कि 300 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। और दोस्त अगर हम देखें करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर, तो इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम जो टोटल इनकम है वह 300 करोड़ लगभग जंप करी है और लगभग 75,950 करोड़ लैक्स के टर्म में है। और अगर लास्ट करस्पॉन्डिंग क्वार्टर से देखें तो उसमें 5 गुना जंप देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में, यानी 500% के आसपास जंप यहां से टोटल इनकम में हुई। तो गजब का रिजल्ट आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों टोटल प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेशन, तो बिफोर टैक्स आप देखें तो प्रॉफिट पिछले अगर क्वार्टर से देखें तो वहाँ से लगभग 30% के आसपास, 25-30% के आसपास जंप हो रहा है। यहाँ से आप देखिए फिगर्स आपको सामने हैं, और अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो प्रॉफिट थोड़ा, पिछली बार लॉस हुआ था और इस बार ये प्रॉफिट में आ गई कंपनी। तो डेफिनेटली यहाँ से कह सकते हैं कि एक गजब का रिजल्ट प्रॉफिटेबल टर्म में भी नज़र आता है। तो पिछली बार 14,414.11 का लॉस हुआ था और इस बार 13,631 का प्रॉफिट हुआ है। तो गजब का रिजल्ट है आप देखिए, तो इनकम जंप हुई, साथ ही देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछली बार लॉस हुआ था 10,970 का लैक्स में, और यहाँ पे देखिए तो अब जो प्रॉफिट है 9,450, यहाँ पे ये सारे फिगर दोस्तों लैक्स में है, ध्यान रखिएगा। तो 9,450 लैक्स जो है ये अब यहाँ से प्रॉफिट जंप हुआ है, और पिछले अगर क्वार्टर से देखें तो वहाँ से भी प्रॉफिट लगभग कह सकते हैं कि 20-25% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट भी जंप हो रहा है और पिछली बार से देखें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, रेवेन्यू भी जंप हुआ है। अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो डिक्रीज हुआ है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, और उसका रीजन है कि इन्होंने डाइल्यूट किए हैं कुछ शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अगर लास्ट ईयर से देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करें तो वहाँ से जंप हुआ है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस एंगल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, और डेफिनेटली हम लोग अपर सर्किट की उम्मीद कर सकते हैं इस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अगर हम इसकी एनालिसिस की तरफ दोस्तों चलें, यहाँ से इंडिया बुल रियल का मैं ग्राफ पिक कर लेता हूँ, तो आप पिछले 3 महीने में देखिए तो ये एक ऊपर का लेवल 124 से, और यहाँ से ये शेयर इतना करेक्शन देखने को मिला, और ये करेंटली शेयर 79.50 रुपये के आसपास है, यानी 80 रुपये के आसपास, और लोअर साइड रिस्क ना के बराबर है। तो जिस हिसाब के रिजल्ट हैं इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 70 रुपीज़ के आसपास, जो कि अभी रिसेंट का लो था। तो पिछले 6 महीने का आप लोज देखिए तो आपको लगभग यहीं पर इसका बॉटम जोन नज़र आ रहा है आपको,
तो यही आपके बॉटम जोन पे 70 रुपीज़ का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, और ऊपर के लेवल बहुत ही जल्द हम लोग 100 से 120 रुपए देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं वो लगभग कह सकते हैं कि 90 रुपये के आसपास जा सकता है ये शेयर, और 10% का अपर सर्किट तो श्योर ही लग सकता है इसमें, तो अपर सर्किट के आसपास लग सकता है। और यहाँ से कह सकते हैं कि ये शेयर अब जो है 90 से 95 रुपये तक जा सकता है बहुत ही जल्द। तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में 120 से 130 के टारगेट नज़र आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों रिजल्ट एनालिसिस, उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई है। तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।